बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज है 12 अप्रैल 2020, समय हुआ है सुबह के 10। अगर कोरोना बुलेटिन में सबसे पहले भारत के ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो 8,453 आंकड़े आ चुके हैं कोरोना पॉजिटिव मामले, जिनमें 972 लोगों को बचाया जा चुका है, 289 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज़्यादा आंकड़े आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे, जहाँ पर 1,761 आंकड़े देखने को मिले हैं। वहीं दिल्ली में 1,069 आंकड़े, तमिलनाडु में 969, राजस्थान में 700, मध्य प्रदेश में 529, तेलंगाना में 503, गुजरात में 468, उत्तर प्रदेश में 452, आंध्र प्रदेश में 405 आंकड़े आपको देखने को मिलते हैं कोरोना के। सबसे आप आगे बढ़ के बात करते हैं, विश्व में कोरोना के कुल कितने केस हैं, तो 17,80,315 कोरोना के केस आपको भारत में देखने को, विश्व में देखने को मिलेंगे। वहीं 1,08,828 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज़्यादा आंकड़े यूएसए में देखने को मिले हैं, जहां पर 30,000 नए केस आए हैं और हो चुके हैं 5,32,879। पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। चीन ने हमारे द्वारा ऑर्डर की गई टेस्ट किट की खेप अमेरिका भेजी, तमिलनाडु के मुख्य सचिव ने बात कही है। तमिलनाडु के मुख्य सचिव के षणमुगम ने कहा कि चीन से ऑर्डर की गई रैपिड टेस्ट किट को आने में समय लग रहा है, क्योंकि इसकी एक खेप जो भारत भेजी जानी थी वह अमेरिका भेज दी गई। उन्होंने कहा कि पहली खेप में कम से कम 50,000 किट देने का वादा किया गया है और वे अगली खेप में 50,000 और किट देंगे। आगे खबर दौड़ते हैं। पंजाब में 56 वर्षीय न्यूज़पेपर हॉकर का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव। पंजाब के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी KVS सिद्धू ने शनिवार को बताया कि पठानकोट में 56 वर्षीय न्यूज़पेपर हॉकर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक लक्षण के साथ शख्स के सिविल हॉस्पिटल में संपर्क किया, बतौर KVS है। दूसरे हॉकर्स की पहचान की जा रही है, जो सुबह अखबार उठाने में एक जगह मिलते हैं। आगे खबर बढ़ते हैं। अगर लॉकडाउन और उपाय नहीं करते तो 15 अप्रैल तक कोरोना के मामले होते 8.2 लाख, सरकार ने बात कही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि अगर कोरोना वायरस के लिए रोकथाम की स्ट्रेटजी और देशव्यापी लॉकडाउन लागू नहीं किया गया होता तो 41% की ग्रोथ रेट से 15 अप्रैल तक 8.2 लाख मामले होते। उन्होंने कहा कि अगर केवल रोकथाम करते और लॉकडाउन नहीं होता तो 15 अप्रैल तक 1.2 लाख मामले देखने को मिलते हैं। खबर बढ़ते हैं। तेलंगाना में 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, राज्य में COVID-19 के मामले 500 पार हो चुके हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का ऐलान किया है। दरअसल राज्य में कोरोना वायरस मामलों की संख्या 500 हो गई है और अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने घोषणा की कि राज्य में कक्षा 1 से 9 तक के छात्र बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट किए जाएंगे। आगे खबर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया गया, लोगों की पहचान, लोगों से सहयोग न करने पर आगे भी बढ़ाएंगे, सीएम ने ये बात कही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 30 अप्रैल तक बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगर लोग इस प्रकोप को रोकने में सहयोग नहीं करते तो 30 अप्रैल के बाद भी यह रोक जारी रहेगी। इससे पहले उड़ीसा और पंजाब में भी लॉकडाउन बढ़ाने की बात कह चुके हैं, अवधि बढ़ा चुके हैं। आगे खबर दौड़ते हैं। पहले मंत्र था जान है तो जहां है, अब है जान भी जहान भी। मुख्यमंत्रियों से बातचीत पर प्रधानमंत्री ने यह बात कही। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के अगले 2 सप्ताह तक और बढ़ाने पर राज्यों की सहमति बनी है। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक पीएम ने रेखांकित किया कि सरकार का मंत्र पहले जान है तो जहान है था, अब जान भी जहान भी है। आगे खबर दौड़ते हैं। पीएम मोदी ने लॉकडाउन बढ़ाने का सही फैसला किया है, पीएम के साथ बैठक के बाद दिल्ली के सीएम ने बात कही है। देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि पीएम ने लॉकडाउन बढ़ाने का सही फैसला किया है। उन्होंने लिखा कि आज कई विकसित देशों के मुकाबले भारत की स्थिति अच्छी है, क्योंकि हमने लॉकडाउन जल्दी किया था, अब इसे खोला तो सब बेकार हो जाएगा। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने CJI से की गर्मियों की छुट्टियां रद्द करने की अपील। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े व अन्य जजों
से इस साल गर्मियों की छुट्टी रद्द करने का अनुरोध किया। एसोसिएशन ने कहा कि देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान कोर्ट में कामकाज सीमित हो गया है और मुकदमा लड़ रहे लोगों को हुई परेशानी को लेकर एसोसिएशन चिंतित है। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में जरूरतमंदों को खाना बांटते समय फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी पर बैन लगाया गया है। राजस्थान में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को खाना बांटते और उनकी फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी करना बैन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि राशन सामग्री व भोजन वितरण राजनीति से परे होकर सेवा भाव के साथ किया जाए, इसे प्रचार और प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं बनाया जाए। उन्होंने राशन वितरण करते समय सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रखने के लिए कहा है। आई खबर दौड़ते हैं। गुजरात में लॉकडाउन में फंसे भूखे मजबूर श्रमिकों की गिरफ्तारी संवेदनशील विषय है। अखिलेश यादव ने बात कही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि गुजरात में लॉकडाउन में फंसे अन्य राज्यों के भूखे मजबूर श्रमिकों के मालिकों से अपना वेतन व प्रशासन से घर जाने की व्यवस्था करने की मांग करने पर उन्हें गिरफ्तार किया जाना एक संवेदनशील मामला है। दरअसल सूरत में पुलिस पर पथराव और आगजनी को लेकर 60 से 70 प्रवासी मजदूरों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हाथ धोते रहिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।